नमस्कार सारे राजाओं को। इस तरीके की प्लेट आपको हमारे ऑफिस के द्वारा भेजी गई है। ये हमने मार्किंग कर दी है प्लेट के ऊपर। हालांकि ऐसी ही प्लेट आपको कुछ छेद करी हुई बिना मार्किंग के मिलेगी। और आपको इस तरीके के कुछ सामान, इसमें से कोई भी सामान आपके पास आया होगा, इसे हम स्प्रिंग्स कहते हैं, इसे हम देवता कहते हैं, और ये हमारे रजत सतप तमस के देवता हैं। सेम ही चीज़ है, उसके अंदर कुछ मेटल्स के कंपोजिशंस हैं, इसके अंदर कुछ डिफरेंट मेटल्स के कंपोजिशन से, पर है सारे मेटल ही। इसके अलावा आपको इस तरीके के कुछ नक्स के भी पैकेट्स आए होंगे। आज इसको कैसे इंस्टॉल किया जाए, इसी के बारे में ये वीडियो है। अब आप देख रहे हैं एक स्क्वायर रूपा इसमें आकृति बनी है और एक ट्रायंगल रूपा आकृति बनी है और एक सेंटर में छेद है। जो स्क्वायर है उसमें हम ये चार स्प्रिंग्स अलग अलग कलर्स के हो सकते हैं। ये एक टेस्ट वीडियो है, तो आपको इसमें ग्रीन कलर के स्प्रिंग्स दिख रहे हैं। आपको आपके स्पेशलाइज वे से कुछ स्प्रिंग्स अलग अलग कलर के एक ही पैकेट के अंदर आए होंगे। जिस पैकेट में भी आए हैं, ये चार स्प्रिंग्स होते हैं हर पैकेट में, इनको चारों कॉर्नर्स पे डालना है। ये 2.5 इंच के स्प्रिंग्स हैं, तो आप मानिए जो आपकी ड्रिल बिट है उस पे 2.5 इंच का मार्किंग करके इन चारों छेदों में इसका छेद बना लीजिए, ताकि ये इंस्टॉलेशन हो पाए। मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे हम बनाते हैं। बनाइए। ये एक मार्किंग प्लेट है, तो मान लीजिए ऐसे छेद इसके ऊपर हो जाएंगे। आप एक स्प्रिंग का पैकेट खोलिए और इसको रख के दिखाइए कैसे रखते हैं। सिर्फ इस स्प्रिंग में ये ध्यान रखना है, इस हरे स्प्रिंग में, अगर आपके पास ऐसा हरा कलर का कोई स्प्रिंग आया है, तो लट्टू नीचे की तरफ आएगा और इसका फैलावट जो है ऊपर की तरफ रहेगी। बाकी किसी भी स्प्रिंग में, ऐसे और भी हमारे पास स्प्रिंग्स हैं, मैं आपको डेमो में दिखा रहा हूँ, बाकी किसी भी स्प्रिंग में उल्टा सीधा कैसे भी डाल सकते हैं। मैं चारों जगह इसको रख के दिखा रहा हूँ, जैसे चार अलग अलग स्प्रिंग्स होते हैं, पांच। ये देखिए, ये जैसे व्हाइट कलर का स्प्रिंग है, बस इसको ऐसे करके अंदर पूरा डाल के व्हाइट सीमेंट से ऊपर ढक देंगे। अभी हम सैंपल बना रहे हैं, तो केवल इसको रख के मैं आपको दिखा रहा हूं। ये ऐसा, केवल ये जो हरा स्प्रिंग था इस पे ध्यान रखना है। अब ये हुआ स्प्रिंग लगाने का लोकेशन। अगर आपको इस तरीके के देवता मिले हैं जो 3 के सेट में आते हैं, तो ट्रायंगल के छेद करके उसको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर ऐसा कोई देवता आपके पास आया है, तो आपने 4 डॉट्स जो है वो नीचे की तरफ रखना है। खड़ा करके दिखा दीजिए, ये एक चले गया 4 डॉट्स नीचे की तरफ, वही 2.5 इंच का छेद होगा इसमें। ये दूसरा इसके अंदर चले गया और तीसरा इसके अंदर चले गया। ये तीनों इसके अंदर जा सकते हैं। अगर आपको इस तरीके का कोई मेटल पीस का मिला है, तो इसमें सीधा उल्टा रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, कैसे भी चाहे आप बस खड़ा लगा सकते हैं। इतना ही आसान है, रख के दिखा दीजिए। ये 3 इसमें सेट हो गए, व्हाइट सीमेंट से ढक दीजिएगा। अब अगर आपको इस तरीके का कोई हमारे द्वारा नग मिले हैं, तो नग के पैकेट खोल के ये जो सेंटर का जो हमारा होल है, नग वहीं इंस्टॉल होंगे। नगों को और कहीं इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, और एक पैकेट में जितने नग आपके पास आए हैं, आपको केवल एक ही छेद में उसको पूरा डालना है। डाल के दिखा दीजिए, और ऊपर से इसको भी व्हाइट सीमेंट से ढक दीजिएगा, क्योंकि अभी हमने छेद नहीं बनाया है, तो ये अभी आपको ऊपर से दिख रहे हैं। इस पे छेद बना के आप आराम से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बस इतना ही है इंस्टॉलेशन का वीडियो। जो प्लेट रखने का एरिया है, वो आपको जो मैप मिला है उसमें प्रॉपर मार्किंग कि ये 1x1 की प्लेट कहाँ रखी जाएगी वो मिली होगी। हो सकता है अगर आपका घर बड़ा हो, तो आपको 2x2 की प्लेट होगी, उसमें भी ऐसे ही कुछ छेद बने हुए हैं। कुछ अगर कन्फ्यूजन होगी, तो ऑफिस में कॉल करके समझ सकते हैं। धन्यवाद।